खेलों पे मंचा उसको पिया, मतलब तीन चार टाइप की बॉटल्स होती हैं उसमें चीजें जाती रहती। अब सूप में जाएंगी थोड़ी और चीजें, देसी सूप है, केचप जाएगी, केचप साथ में जाएगी, थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी सी चिल्ली सॉस, थोड़ी सी रेड चिल्ली सॉस। अब मुझे नहीं पता कि आपने कभी वो ठेलों पे मंचाउ सूप पिया, मतलब तीन चार टाइप की बॉटल्स होती हैं उसमें चीजें जाती रहती। वैरायटी ऑफ सॉसेस के बाद जाएगा सॉल्ट, चुटकी भर पेपर, हल्का सा चिली पेस्ट, थोड़ा सा विनेगर। थोड़ा सा पावजी धनिया, और अब इसमें एक आखिरी इंग्रेडिएंट, वो तो बड़ा शाइनी सा सूप आता है ना, हल्का सा थिक, वो ऐसे आता है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी, इन दोनों को बढ़िया से घोल लो। और इसे कहते हैं स्लरी, अ नाइस मिक्स ऑफ फ्लावर एंड वाटर, जो स्लरी गई इसके अंदर, मतलब वो सूप वाटरी नहीं रहता, वो थिकनेस बहुत जरूरी है। सूप हो गया जी तैयार बढ़िया से, अब सिर्फ फ्राइड नूडल्स की वेट हो रही। मैं नूडल्स फ्राई कर रहा हूं फॉर्च्यून सोया हेल्थ रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में, जो है इंडिया का नंबर वन कुकिंग ऑयल। वेल, इट इज ऑल्सो फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड विटामिन डी। नूडल्स को करो बॉइल और फिर उनको करो क्रिस्प फ्राई। बिना फ्राइड नूडल्स के तो मांचाओ सूप अधूरा है। बढ़िया से थिक सूप, ऊपर से क्रिस्पी नूडल्स।